Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students. We'll continue with where we had left in the last class. So we are on page 42, the last paragraph here. I am not unmindful that some of you have come here out of great trials and tribulations. Trials and tribulations means trials, as you can see, court trials. Imtihan ke liye lafz use hota hai. ज़िंदगी के इम्तिहानात एंड ट्रिब्यूलेशंस मीन मसाइब, मुसीबत की जमा मसाइब। आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पर, मुझे इस बात का एहसास है, आई नॉट अनमाइंडफुल का मतलब यह है कि मुझे एहसास है इस बात का कि आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो यहाँ पे आज मौजूद हैं, बहुत सारी मसाइब और मुश्किलात का सामना करने के बाद, यानी आपको यहाँ पहुँचने के लिए बहुत सारे मसाइब और मुश्किलात का सामना करना पड़ा। Some of you have come fresh from narrow jail cells. आप में से कुछ तो ऐसे हैं जो सीधे जेल से, जेल की तंग कोठरियों से सीधा यहाँ पे पहुँचे हैं। जेल सेल्स, जेल की कोठरियाँ। And narrow means tongue. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. अब some of you, आप में से कुछ ऐसे हैं जो ऐसे एरियाज से आए हैं, ऐसे इलाकों से आए हैं अमेरिका के। अब ये जो डिस्क्रिमिनेशन थी ब्लैक्स के ख़िलाफ़, ये हर जगह यकसा नहीं थी अमेरिका में। कुछ स्टेट्स में ये बहुत ज़्यादा थी, कुछ स्टेट्स में नॉर्मल था हालात, और कुछ स्टेट्स नेग्रोस के लिए अच्छे थे। तो मुझे इस बात का एहसास है कि आप में से बहुत सारे ऐसे इलाकों से आए हैं जहाँ पर योर क्वेस्ट फॉर फ्रीडम, आज़ादी की तलाश ने आप किन मुसीबतों में डाला। बैटर्ड, लेफ्ट यू बैटर्ड बाई द स्टॉर्म्स ऑफ परसिक्यूशन, के आपने जब अपनी आज़ादी की बात की तो आपको रगड़ना पड़ा, अपने आप को बैटर्ड जनरली कहते हैं जब आप किसी चीज़ को दूसरी चीज़ से मारते हैं ज़ोर ज़ोर से। तो आपने झीली हैं मुसीबतें, आपने सामना किया है वहाँ पे स्टॉर्म्स का। किस चीज़ के स्टॉर्म्स का? परसिक्यूशन के स्टॉर्म्स के, आपके ख़िलाफ़ मजालिम ढाए जाने लगे। इसमें आपको याद होगा कि हज़रत बिलाल हबशी या दूसरे जो ग़ुलाम थे, जब उन्होंने इस्लाम कबूल किया तो उनके जो मालिक थे, जो कुफार थे, उन्होंने उनके साथ किस तरह का सलूक किया था। तो यहाँ पर भी जब अमेरिका में नेग्रोज़ ने अपनी आज़ादी की बात की तो उनके ख़िलाफ़ मसाइब और उनको मुश्किलात में डाला गया और उनके साथ बहुत सारे जुल्म किए गए। एंड स्टैगर्ड बाय द विंड्स ऑफ पुलिस ब्रुटैलिटी, जब उन्होंने एहतजाज किया सड़कों पे तो उनको पुलिस की बेरहम तशद्दुद का सामना करना पड़ा, पुलिस ब्रुटैलिटी का सामना करना पड़ा। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग। वेटरन कहते हैं जो बंदा किसी चीज़ में महारत हासिल कर लिया, बहुत अरसे तक किसी काम में लगा रहे, या आप इसको गाजी से भी तशबीह दे सकते हैं यहाँ पे। यू हैव बीन द वेटरन्स ऑफ क्रिएटिव सफरिंग, तो आपने सफरिंग देखी है, आपने मुसीबतों का सामना किया है और आपने मसाइब का सामना किया है, लेकिन ये आपने किस लिए किया है? क्रिएटिव, क्रिएटिव कोई काम करने के लिए। आप माशरे में एक नई चीज़, एक नया एहसास लोगों के अंदर पैदा करना चाहते हैं, बराबरी का, इंसाफ का, और उसके लिए आपने ये झेली हैं। तो एक तरह से आप इस जंग के गाजी हैं और आप मुसीबतें देख रहे हैं इस क्रिएटिव प्रोसेस को एंड तक पहुंचाने के लिए, जिसमें सोसाइटी बेहतर होगी पहले से। कंटिन्यू टू वर्क विद द फेथ That unearned suffering is redemptive. अब ये बात मार्टिन लूथर किंग ने बहुत गहरी बात की है। Unearned कहते हैं जो आप earn कहते हैं कमाने को, unearned जो आपने नहीं कमाया, या generally हराम के लिए use होता है, लेकिन यहाँ पर suffering क्योंकि है। suffering जब आप मुसीबतें झीलते हैं, suffer करते हैं, तो जब आप इस वजह से सफ़र करते हैं कि आप कुछ अच्छे काम करने जा रहे हैं, तो ये अनअर्न्ड सफरिंग है। यानी सफरिंग एक तो वो होती है जो आपको सज़ा के तौर पर मिलती है, आपने कोई बुरा काम किया, किसी बंदे ने कोई बुरा काम किया,
कोई अनलीगल काम किया, कोई करप्शन की, क्या कोई जुर्म किया, तो उसकी सज़ा के तौर पे उसको जेल में डाल दिया गया। लेकिन अनअर्न सफरिंग वो सफरिंग है जो आपको बगैर कुछ किए या अच्छे काम करने की वजह से मिला हो। अब रिडेम्पशन का जो कॉन्सेप्ट है, जो लास्ट लव्स हैं, रिडेम्पशन निजात को कहते हैं। रिडेम्पटिव ऐसी चीज़ जो आपको निजात दिला सकती है। अब इस निजात से मुराद आखिरत की निजात है, और हमारा भी, मुसलमानों का भी और क्रिश्चियंस का भी और ज्यूस का भी अकीदा है कि एक दिन हमें उठाया जाएगा और हमारे अमाल का हिसाब किताब होगा। और उस दिन हमें, अगर हमारे अच्छे अमाल ज़्यादा हुए तो हमें उसकी जजा दी जाएगी, और अगर हमारे बुरे काम ज़्यादा हुए तो हमें उसकी सज़ा दी जाएगी। तो मार्टिन लूथर किंग का ये कहना है कि ये जो मुसीबतें आपने झेली हैं इस तहरीक में, माशरे में इंसाफ और बराबरी के लिए, ये क्योंकि अनअर्नड है, ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पर आपको सज़ा दी जाए, इसलिए इस ये आपकी आखिरत की निजात का ज़रिया बन सकता है। यानी आखिरत में आपको इस चीज़ का सिला मिलेगा कि आपने ऐसी तकालीफ झेली जो जिसके आप सजावार नहीं थे। सो यहाँ पे ये बहुत गहरी बात है। हम भी अपनी लाइफ में बहुत दफ़ा, हमें ऐसे लगता है कि हमारे साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, तो हमने उसको इस हम उसको इस अंदाज में झेल सकते हैं, हम उसको इस नियत के साथ झेल सकते हैं कि शायद यही मुसीबतें, ये तकालीफ हमारी अखरवी निजात का ज़रिया बन सकें। तो मार्टिन लूथर किंग की ये बहुत गहरी बात यहाँ पर। थोड़ा सा स्पीच को उनके अंदाज में देखते हैं। Unmindful, some of you have come here out of great trials and tribulations. Some of you have come fresh from narrow jail cells. Some of you have come from areas where your quest for freedom left you battered by the storms of persecution and staggered by the winds of police brutality. Who have been the veterans of creative suffering, continue to work with the pain. Suffering is redemptive. Go back to Mississippi. Go back to Alabama. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. Go back to the slums and ghettos of our northern cities. Knowing that somehow this situation can and will be changed. Let us not wallow in the valley of despair. I say to you today, my friend, all right. नाउ ये जो नेक्स्ट पैराग्राफ यहाँ पे शुरू होता है, इसमें मार्टिन लूथर किंग जो लोग मुसीबतें झेल रहे हैं, जो लोग तकालीफ दे रहे हैं इस तहरीक में, उनको उम्मीद दिला रहे हैं, उनको फ्यूचर के हवाले से एक अच्छे फ्यूचर की नवीद सुना रहे हैं कि हमारी इस क्रिएटिव सफरिंग के नतीजे में, हम जो तकलीफ देख रहे हैं इसके नतीजे में, ये मुल्क अच्छा बनेगा और इसमें बेहतरी आएगी। So go back to Mississippi. Mississippi America का एक state है. Go back to Alabama. अब बहुत सारे लोग Mississippi से आए थे, बहुत सारे लोग Alabama से आए थे. Go back to South Carolina. Go back to Georgia. Go back to Louisiana. And go back to the slums and ghettos of our northern cities. Slums, कच्ची आबादियाँ, ghettos, अमूमन किसी एक पुराने वक्तों में या even America में, even recent 1960s तक, ऐसी आबादियाँ थी जो सिर्फ ब्लैक्स के लिए थी, जहाँ पे सिर्फ ब्लैक्स को रखा जाता था, उनको वहाँ से निकलने की इजाज़त नहीं होती थी। तो उन आबादियों को घीटोज कहते थे। ऑफ आर नॉर्दर्न सिटीज़, के हमारे शुमाल यानी अमेरिका के शुमाल में जो शहर हैं जहाँ पे ब्लैक्स घीटोज में रहते हैं, आप जब वापस वहाँ पर जाएंगे तो आप इस उम्मीद के साथ जाएँ, नोइंग दैट सम हाउ दिस सिचुएशन कैन एंड विल बी चेंज। ये यकीन अपने अंदर रखें कि ये जो हालात हैं ये ज़रूर बदलेंगे,
और हम इसको बदलेंगे. लेट अस नॉट वेलो इन द वैली ऑफ डिस्पेयर. वेलो कहते हैं अफसोस मनाना, मातम करना. वैली ऑफ डिस्पेयर, डिस्पेयर मायूसी, नाउमीदी के लिए इस्तेमाल हुआ है. और हमें ये सिखाया गया कि मायूसी कुफर है, मायूसी गुनाह है. तो वो अपने लोगों को उम्मीद दिला रहे हैं कि हमें नाउमीदी के की वादी में रोने धोने की या मातम करने की ज़रूरत नहीं है. हम इस उम्मीद के साथ अपने इलाकों में वापस जाएंगे कि ये जो हालात हैं ये बदल सकते हैं और ये बदलेंगे. I say to you today, my friends, that in spite of the difficulties and frustrations of the moment, तो मेरे दोस्तों जो आज यहाँ पे आए हो, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ that in spite of, के बावजूद इसके, of the difficulties, जो मुश्किलात आपने देखी, आप देख रहे हैं, and frustrations, और जिस झंझलाहट का, जिस नाउमीदी का, जिस मायूसी का आप शिकार हैं, of the moment, हम सब शिकार हैं शायद इस लम्हे, हमें जो लग रहा है कि सिचुएशन बहुत ख़राब है, शायद ये ना बदल सके. आई स्टिल हैव अ ड्रीम. इस तमाम के बावजूद, इस तमाम अंधेरी रात, इस अंधेरी रात में भी मेरा एक ख्वाब है, मेरे जहन में एक ख्वाब है. इट इज़ अ ड्रीम डीपली रूटेड इन द अमेरिकन ड्रीम. अब अमेरिकन ड्रीम क्या है? आप सब ने अमेरिका का नाम सुना होगा और आप में से हर एक की ख्वाहिश होती है, मोस्टली लोगों की ख्वाहिश होती है कि वो किसी ना किसी तरह अमेरिका पहुंच जाए. तो स्टूडेंट्स, कभी आपने ये सोचा है कि अमेरिका में ऐसा क्या है कि हर शख्स अमेरिका जाने की ख्वाहिश रखता है? सोचें ज़रा. जी, ये इसलिए है कि अमेरिका के बारे में ये यकीन किया जाता है कि अमेरिका मौके का मुल्क है. इट्स अ लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी. कि अमेरिका में आपको मौके दस्तियाब हैं अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाने के. तो अमेरिकन ड्रीम, अमेरिका में बसने वाले हर शख्स की एक ख्वाहिश होती है और ये मटेरियल लाइफ से जुड़ी हुई है, मादी ज़िंदगी से रिलेटेड है. और इसमें क्या है कि अमेरिका में हर शख्स की ख्वाहिश, अमेरिका जाने वाले और अमेरिका में रह बसने वाले हर शख्स की ये ख्वाहिश होती है कि उसका अपना एक घर हो, उसकी गाड़ी हो, उसका अपना ख़ानदान हो, शादी हो, उसके बच्चे हों, और वो एक अच्छी ज़िंदगी गुजार सके जिसमें उसको किसी मादी कमी बेशी का सामना ना करना पड़े, पैसों के हवाले से उसको तंगदस्ती का सामना ना हो. और मोस्टली जो अमेरिका में लोग पहुंचते हैं, जो मेहनत करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अमेरिका पहुंचकर अपने हालात बदले हैं. शुरू में जब अमेरिका दरियाफ्त हुआ था, कोलम्बस ने जब अमेरिका दरियाफ्त किया तो इसको नई दुनिया का नाम दिया गया, क्योंकि एक पूरा कॉन्टिनेंट था जिसमें बहुत कम लोग आबाद थे. जो नेटिव अमेरिकन्स थे, जो कदीम अमरीकी थे, वो बहुत थोड़ी तादाद में थे. और बाहर से आने वालों ने उनको एक तरह से ख़त्म कर दिया है, या उनको, उनके साथ जंगे करके, या उनको जो जो बीमारियां अभी जैसे कोरोना फैला हुआ है, अमेरिकन्स जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके इम्यून सिस्टम्स इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे उन वायरसेस के लिए जिनके हमारे जिस्म आदि हैं. जैसे फ्लू, हमें नॉर्मल फ्लू हो जाता है तो हमारा जिस्म उससे खुद ब खुद रिकवर कर लेता है. लेकिन जब बाहर से लोग, आयरलैंड से, इंग्लैंड से, स्पेन से, यूरोप के दूसरे इलाकों से अमेरिका पहुंचे, तो अपने साथ बहुत सारे ऐसे वायरसेस लेके गए अनजाने में, जिनके लिए नेटिव अमेरिकन्स के जिस्म इम्यून नहीं थे. तो बहुत सारे नेटिव अमेरिकन्स इन बीमारियों का शिकार होके मरे, और बहुत सारों को बाहर से आने वाले इन लोगों ने इनके साथ जंगे करके उनको सोसाइटी के पर कोनों में धकेल दिया और उनके साथ जंगे लड़ी. सो जो अमेरिकन ड्रीम है, अमेरिका जो लोग पहुंचे थे उन्होंने मेहनत की वहां पे, और आज आप देख सकते हैं कि अमेरिका एक सुपर पावर है, दुनिया का एक बहुत ही ताकतवर मुल्क है. तो ये सब कैसे हुआ? जब लोगों को उनकी ड्रीम्स पे काम करने का मौका दिया गया. तो मार्टिन लूथर किंग कहते हैं कि हमारा जो ख्वाब है अमेरिका का, वो भी अमेरिकन ड्रीम से जुड़ा हुआ है, या उसकी जड़ें भी अमेरिकन ड्रीम में ही हैं. जैसे गोरे अमेरिका में आके खुशहाल हुए हैं, इसी तरह जो नेग्रोज हैं वो भी यहाँ पे खुशहाल होना चाहते हैं. सो आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे दिस नेशन विल राइज अप एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड. तो मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन ये कौम
उठेगी एंड लिव आउट द ट्रू मीनिंग ऑफ इट्स क्रीड, और इसका जो बुनियादी अकीदा है जो कि इसके आईन में लिखा हुआ है। आईन में क्या लिखा हुआ है? आईन में अमेरिका के अवाम के जज्बात की तर्जमानी इस तरह से की गई है, दैट वी होल्ड दीज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, कि जब वो बरतानिया से आज़ादी हासिल कर रहे थे तो उन्होंने ये कहा था कि वी होल्ड दीज ट्रुथ्स टू बी सेल्फ एविडेंट, हम इस हकीकत को बिल्कुल जाहिर समझते हैं, बिल्कुल सही समझते हैं, दैट ऑल मैन आर क्रिएटेड इक्वल, कि तमाम इंसान बराबर पैदा किए गए हैं, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को बराबर पैदा किया है। अमेरिकन्स जब वो बरतानिया से आज़ादी हासिल कर रहे थे तो उन्होंने बरतानिया के लोगों को या बरतानिया के जो उनके हुक्मरान थे उनसे ये बात कही कि तमाम इंसान बराबर हैं, आपको हमारे ऊपर हुक्मरानी का कोई एक्स्ट्रा इख्तियार नहीं है। तो अब मार्टिन लूथर किंग वही बात उन अमेरिकन से कह रहे हैं जो जिन्होंने ये बात इंग्लैंड वालों से कही थी या ताज बरतानिया से कही थी कि हम भी आपके बराबर के शहरी हैं। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे ऑन द रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड। मेरी ये उम्मीद है और मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन रेड हिल्स ऑफ जॉर्जिया, जॉर्जिया एक स्टेट है, जॉर्जिया में जो पहाड़ियाँ हैं शायद वो सुर्ख रंग की हैं, कि उन सुर्ख रंग की पहाड़ियों पे द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव्स, जो अगली नस्ल है, जो बच्चे होंगे स्लेव्स के, जो पहले स्लेव्स थे फॉर्मर अब नहीं रहे, मार्टिन अब्राहम लिंकन ने उनको आज़ाद कर दिया, एंड द सन्स ऑफ फॉर्मर स्लेव ओनर्स, और वो लोग जो इनके मालिक थे पिछली नस्ल में, विल बी एबल टू सिट डाउन टुगेदर, उनके बच्चे भी आपस में मिल के बैठ सकेंगे एट द टेबल ऑफ ब्रदरहुड, भाईचारे के दस्तरखान पे। यानी इस नस्ल के अंदर शायद ये तासुब अभी भी कायम है, लेकिन जो अगली नस्लें होंगी, मेरा ये ख्वाब है कि उन नस्लों में ये नस्ली इम्तियाज वाला कॉन्सेप्ट बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा और वो एक दूसरे के साथ एक ही दस्तरखान पे भाइयों की तरह बैठ सकेंगे। आई हैव अ ड्रीम दैट वन डे इवन द स्टेट ऑफ मिसिसिपी, मिसिसिपी एक स्टेट था जहाँ पे ये नस्ली इम्तियाज अपने उरूज पे थी मार्टिन लूथर किंग के ज़माने में, तो मेरा एक ख्वाब है कि मैं इवन मिसिसिपी जैसे स्टेट में भी, अ डेजर्ट स्टेट जो कि आज एक सहरा की तरह का स्टेट है, स्वेल्टरिंग विद द हीट ऑफ इनजस्टिस, और वो झुलस रहा है नाइंसाफ़ी और जुल्म के की हवाओं में, उसकी आग में, विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू एन ओएसिस ऑफ फ्रीडम एंड जस्टिस। ट्रांसफॉर्म कहते हैं तब्दील कर देने को, कि इसी इस स्टेट, ये स्टेट भी ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, तब्दील हो जाएगी, किस चीज़ में? एन ओएसिस, ओएसिस कहते हैं नखलिस्तान को, नखलिस्तान सहरा में, सहरा में आपको पता है कि गर्मी होती है शदीद किस्म की और पानी नहीं होता, बीच बीच में सहरा में कहीं कहीं पे पानी हो जमा हो जाता है, बारिशों का पानी होता है जो एक जगह जमा होता है, वहाँ पे कुछ दरख्त होता है, कुछ साया होता है, इंसान को कुछ खुराक मिल सकती है, पानी मिल सकता है। तो आज मिसिसिपी क्या है? एक सहरा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ या मेरा एक ख्वाब है कि मुस्तकबिल में ये तब्दील हो जाएगा, किस चीज़ में? एक नखलिस्तान में। किस चीज़ का नखलिस्तान? जहाँ पे आज़ादी होगी, जहाँ पे इंसाफ होगा। आई हैव अ ड्रीम दैट माई फोर चिल्ड्रन विल वन डे लिव इन अ नेशन वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाय द कलर ऑफ देयर स्किन। अब ये कोट किया जाता है स्पीच में से बार बार, इसको हर जगह पे लिया जाता है क्योंकि इसने बहुत सारे लोगों को इंस्पायर किया इस चीज़ की तरफ। आई हैव अ ड्रीम, मेरा एक ख्वाब है दैट माई फोर लिटिल चिल्ड्रन, मार्टिन लूथर किंग के चार बच्चे थे इस वक्त, उन्होंने ये कहा कि मेरे जो छोटे चार बच्चे हैं, विल वन डे, वो एक दिन, लिव इन अ नेशन, एक ऐसी रियासत में रहेंगे, एक ऐसी कौम का हिस्सा होंगे, वेयर दे विल नॉट बी जज्ड बाई द कलर ऑफ देयर स्किन, जहाँ पे आज की तरह उनको उनके जल्द की रंगत की वजह से पहचाना नहीं जाता, बट बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर, बल्कि उनके किरदार के अंदर क्या है, किरदार में अच्छाई है बुराई है, उस हवाले से उनको पहचाना जाएगा, उस हवाले से उनको जाना जाएगा।
आज की तरह नहीं होगा कि जो काला है वो बुरा है, जो गोरा है वो अच्छा है. आई हैव अ ड्रीम टुडे. सो ये जो लाइन्स हैं क्या, दे विल बी जज्ड बाय द कंटेंट ऑफ देयर कैरेक्टर नॉट बाय द कलर ऑफ देयर स्किन्स. ये एक इम्पॉर्टेंट लाइन है, इसको आप अपने जहन में बिठाएं. सो क्वेश्चंस की तरफ अगर हम आएँ, सो ये हमने कर लिया था फिफ्थ वन शायद हमने किया ना कि what is Dr. King's advice to the black people while marching on the road to freedom. Dr. King ne apne logon ko jo is ehtijaj mein sharik the unse kya aisi baat kahi ki unko kis cheez ka khayal rakhna hai. Unhone kaha tha ki aap nafrat ke pyale se na piyein. Hum hamari jo pyaas hi azadi ki pyaas hai, hum isko azadi se bujhayenge, insaaf se bujhayenge, hum isko nafrat se nahi bujhayenge. Unhone apne logon ko kaha tha ki hum creative ek kaam kar rahe hain, hum ek ehtijaj kar rahe hain jiske natije mein society behtar hogi. Aap isko degenerate na karein, isko bigad ke tashaddud ki shakal na dein aur pur aman tareeke se hum apne huqooq hasil karne ki koshish karenge. और ये हमारे लिए हमारे मुल्क में भी ऐसे ही ट्रू है जैसे अमेरिका में उस वक्त ट्रू था. हमारे यहाँ पे भी जब हमें लगता है कि कोई चीज़ हमारी ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं हो रही या इंसाफ के साथ नहीं हो रही तो हम एहतजाज करते हैं. लेकिन हमारे मुल्क में जो एहतजाज होता है वो आप देखते हैं, उसमें जलाव घेराव होता है, उसमें तोड़ फोड़ होती है, उसमें लोगों को मारा पीटा जाता है. तो हमें भी मार्टिन लूथर किंग की इस एडवाइस पर अमल करना चाहिए कि जो भी एहतजाज होना चाहिए उसको पुरअमन होना चाहिए और उसको क्रिएटिव होना चाहिए कि उसके नतीजे में कुछ अच्छा बने, सोसाइटी बेहतर होना के ख़राब हो. क्वेश्चन नंबर सिक्स को अगर हम देखें, व्हेन विल दे द नेग्रो बी सेटिस्फाइड और नॉट सेटिस्फाइड अकॉर्डिंग टू डॉक्टर किंग. डॉक्टर किंग ने यहाँ पर बताया था कि हम उस वक्त तक मुतमईन नहीं होंगे जब तक हमें आज़ादी नहीं मिलती, जब तक हमें होटल्स में रिहाइश नहीं मिलती, जब तक हमें बराबर के शहरी नहीं माना जाता, तब तक हम अपना एहतजाज जारी रखेंगे, अपनी स्ट्रगल को जारी रखेंगे. और हम उस वक्त तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जब तक ये तमाम चीज़ें नहीं होती. डॉक्टर किंग स्पीच रिपीटेडली इन हिज ड्रीम. व्हाट इज़ हिज ड्रीम. अब डॉक्टर किंग का क्या ख्वाब है. अब ये आई हैव अ ड्रीम जहाँ पर भी आया है उसको अपने इख्तिसार के साथ समराइज़ करना है, उसको बताना है कि डॉक्टर किंग का क्या ख्वाब था. सबसे पहले तो हमने देखा यहाँ पे शुरू में ही कि डॉक्टर किंग एक ऐसे मुल्क का ख्वाब देखते हैं जहाँ पे तमाम लोग बराबर होंगे, जहाँ पे उनके जो चार बच्चे हैं उनको जज किया जाएगा, उनको परखा जाएगा उनके किरदार की वजह से, उनके अच्छे और बुरे कामों की वजह से, ना कि उनके कलर की वजह से. तो अगेन ये इसी सवाल की आगे बढ़ाएगा. आई हैव अ ड्रीम. मेरा एक ख्वाब है दैट वन डे द स्टेट ऑफ अलबामा. मेरा एक ख्वाब है कि अलबामा का जो की जो रियासत है, हुज गवर्नर्स लिप्स आर प्रेजेंटली ड्रिपिंग विद द वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन एंड नलिफिकेशन. उधर का जो गवर्नर है आज वो क्या है, वो एक नस्ल परस्त आदमी है और उसके लबों पे क्या है, ड्रिप, उसके लबों से रस रहा है. क्या चीज़, वर्ड्स ऑफ इंटरपोजिशन. वो इन दो कम्युनिटीज़ को, ब्लैक्स को और वाइट्स को अलग अलग देखता है, उसके लबों पे यही अल्फाज हैं कि ये अलग अलग हैं. और नलिफिकेशन, नल कहते हैं ज़ीरो कर देना, किसी को कुछ ना समझना. तो वो आज ब्लैक्स को कुछ नहीं समझता, वो आज ब्लैक्स को रद्द करता है. तो इस स्टेट में भी मेरा ये ख्वाब है will be transformed into a situation. ये एक ऐसी यहाँ पे एक ऐसी सिचुएशन बन जाएगी where little black boys, जहाँ पे छोटे काले बच्चे and black girls और काली बच्चियाँ will be able to join hands, कि वो हाथ में हाथ डाल सकेंगे with little white boys and white girls, सफ़ेद फॉर्म लड़के और लड़कियों के साथ and walk together as sisters and brothers. और वो आगे की तरफ चलेंगे, वो कदम बढ़ाएंगे भाइयों और बहनों की तरह. ये कहाँ के लिए ख्वाब है उनका, ये ख्वाब उनका अलबामा के लिए है जहाँ का गवर्नर बहुत ही नस्ल परस्त आदमी है और जो आज ब्लैक कम्युनिटी पे मजालिम ढा रहा है और उनको नल एंड वॉइड करा दे रहा है.
आई हैव अ ड्रीम टुडे. अब ये जो लफ्ज बार बार रिपीट हो रहा है इसको रिफ्रेन कहते हैं. ये जो सेंटेंस है आई हैव अ ड्रीम टुडे, ये एक रेजोनेंस क्रिएट करता है. जब आप स्पीच कर रहे होते हैं, जब आप लोगों से खिताब कर रहे होते हैं, तो आपके जो अल्फाज हैं वो लोगों के अंदर एक जोश, एक वलवला पैदा करते हैं. जैसे कि इस स्पीच में आप देखेंगे कि जब वो ये करते हैं तो लोगों का जोश ऊपर बढ़ता है, उनके अंदर एक जज्बा पैदा होता है. Even the state of Mississippi, a state sweltering with the heat of injustice, sweltering with the heat of oppression, be transformed into an oasis of freedom and justice. I have a dream. My four little children one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin, but by the content of their character. I have a dream. सो आपने देखा कि आई हैव अ ड्रीम, ये जो रिफ्रेन वो यूज़ करते हैं, इससे लोगों के अंदर एक जोश, एक वलवला पैदा होता है. उनको मुस्तकबिल के बारे में उम्मीद पैदा होती है और एक प्लान उनके सामने आ जाता है कि हम किस चीज़ के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं. सो इसको आगे बढ़ाते हैं. I have a dream that one day every valley shall be exalted. मेरा ये ख्वाब है कि एक दिन वैली, पहाड़ों के बीच में जो गहरी जगह होती है उसको वैली या वादी कहा जाता है. एग्जॉल्ट कहते हैं बुलंद होना. एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो. अब लैंडस्केप की बात कर रहे हैं, वो एक मिसाल दे रहे हैं कि जिस तरह ज़मीन ना हमवार हो तो क्या होता है, एक तरफ कुछ पहाड़ियाँ होती हैं और कहीं किसी जगह पर ज़मीन नीचे होती है. तो इंसानी सोसाइटी को उन्होंने इस तरह के लैंडस्केप से तशबीह दी है, अमेरिका की जो उस वक्त की सोसाइटी थी, जिसमें कुछ लोग ऊंचे हैं और कुछ लोग नीचे हैं. तो वो कह रहे हैं कि जो वादियां हैं, जो नीचे हैं, एक दिन आएगा कि ये वादियां ऊपर उठेंगी. एंड एवरी हिल एंड माउंटेन शैल बी मेड लो. और एक दिन ऐसा आएगा कि जो आज बुलंद हैं उनको पस्त किया जाएगा. द रफ प्लेसेस विल बी मेड प्लेन. जो जगहें खुरदरी हैं, नाहमवार हैं, उनको मैदान में तब्दील किया जाएगा, उनको प्लेन किया जाएगा. एंड द क्रूकेड प्लेसेस विल बी मेड स्ट्रेट. और जो क्रूकेड कहते हैं टेढ़े मेढ़े को, और जो टेढ़ी मेढ़ी जगह हैं जो सही नहीं है उनको सीधा कर दिया जाएगा. एंड द ग्लोरी ऑफ द लॉर्ड शैल बी रिवील्ड. और इससे खुदा की अजमत हर तरफ नाजिल हो जाएगी, खुदा की अजमत हर एक पे आयां हो जाएगी. एंड ऑल फ्लैश शैल सी इट टुगेदर. और खुदा की अजमत को तमाम फ्लैश, फ्लैश से मुराद गोश्त पोश से बने हुए इंसान या दूसरे जानवर हैं, तो तमाम मखलूक इसको मिल के देखेगी. मखलूक के अंदर ये तफरीक ख़त्म हो जाएगी और खुदा की शान सब पे आयां हो जाएगी. दिस इज़ आवर होप. और यही हमारी उम्मीद है. दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ. और इसी उम्मीद के साथ मैं साउथ की तरफ जा रहा हूँ. यानी मार्टिन लूथर किंग अमेरिका के साउथ से आए थे, अब दोबारा उस तरफ जाएंगे. With this faith, we will be able to hew out of the mountain of despair a stone of hope. Hew कहते हैं निकालना, जैसे आप पहाड़ों में कीमती पत्थर तलाश करते हैं. तो वो कह रहे हैं कि with this faith, इस उम्मीद के साथ, अगर हमारे अंदर ये उम्मीद होगी, तो आज जो मायूसी का पहाड़ हमारे सामने है, जिसको माउंटेन ऑफ डिस्पेयर एक तशबीह, एक मेटाफर यूज़ किया है, कि हमारे सामने एक मायूसी का बहुत बड़ा पहाड़ है, हमने इस पहाड़ को तोड़ना है, तो इसके अंदर से क्या निकल आएगी, अ स्टोन ऑफ होप, एक कीमती पत्थर उम्मीद का हम इस
डिस्पेयर से निकाल सकेंगे। अब ये कंट्रास्ट किया गया ऑपोजिट्स हैं डिस्पेयर और होप। होप इंसान की ज़िंदगी को बेहतर बनाता है और डिस्पेयर मायूसी उसकी ज़िंदगी को अजाब बनाता है। इसीलिए इस्लाम में रसूलुल्लाह ने हमें फरमाया कि मायूसी कुफ्र है, मायूस कभी भी नहीं होना चाहिए, हर हाल में पुरउम्मीद रहना चाहिए। तो वो कह रहे हैं कि आज हमें मायूस नहीं होना, बल्कि हमने इस मायूसी के पहाड़ को तोड़ना है और उसके अंदर से उम्मीद का कीमती पत्थर निकालना है। With this faith, we will be able to transform the jangling discords of our nation into a beautiful symphony of brotherhood. Jangling, again contrast किया गया है दो लफ्जों को। Jangling, jangling कहते हैं जैसे दो चीज़ें जब आपस में टकराती हैं तो जो करख्त आवाज़ें पैदा होती हैं उनको jangling कहते हैं। जैसे दो बर्तन, दो ग्लास, दो जग आपस में टकराएं तो jangling की आवाज़ पैदा होती है। और symphony, सिम्फनी भी आवाज़ ही है, लेकिन ये वो आवाज़ें हैं जो एक दूसरे को जगह देती हैं, जो एक दूसरे को एक्सेप्ट करती हैं। जैसे म्यूज़िक है, म्यूज़िक में बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट्स प्ले हो रहे होते हैं, लेकिन हर इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाला दूसरे इंस्ट्रूमेंट प्ले करने वाले की आवाज़ को सपोर्ट करता है, उसको बेहतर बनाता है, ना कि उसको कम करता है, ना कि उसको ख़राब करता है। तो आज हमारे नेशन में से जो आवाज़ें उठ रही हैं वो डिस्कॉर्ड की हैं, वो नाइतफाक़ी की हैं, वो एक दूसरे के ख़िलाफ़ उठने वाली आवाज़ें हैं। तो हम इस उम्मीद के साथ वापस जाएंगे कि ये जो करख्त आवाज़ें पैदा हो रही हैं, एक दिन आएगा कि इन करख्त आवाज़ों की जगह हमारे नेशन में से जो आवाज़ें उठेंगी वो एक साज़ की तरह होंगी, एक राग की तरह होंगी। और ये राग किस चीज़ का होगा? ये भाईचारे का राग होगा जो सब मिल के पैदा करेंगे। एक ऐसी म्यूज़िक हमारे नेशन प्रोड्यूस करेगी जिसमें सारे जो सारे लोगों को भाईचारे के बंधन में बांधेगी। अब अगेन आप देख सकते हैं कि किस तरह की ब्यूटीफुल लैंग्वेज, खूबसूरत मेटाफर्स और सिमिलीज मार्टिन लूथर किंग ने यूज़ की हैं, और इसी वजह से ये स्पीच एक हिस्टोरिक स्पीच है कि इसने लोगों के अंदर एक उम्मीद पैदा की, एक भाईचारे, एक तस्वीर बनाई उनके जहन में मुस्तकबिल की, जिसके लिए लोगों ने स्ट्रगल किया। विद दिस फेथ वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर, इस उम्मीद के साथ, इस यकीन के साथ। ये यकीन अगर हमारे अंदर होगा, कौन सा यकीन? कि हम नाउम्मीदी के पहाड़ को तोड़ेंगे और एक दिन हमारे अंदर जो डिस्कॉर्ड्स हैं, जो नाइतफाक़ी हैं, जो लड़ाई झगड़े हैं, ये ख़त्म होकर एक खूबसूरत साज बनेंगी। विद दिस फेथ, इस उम्मीद के साथ, वी विल बी एबल टू वर्क टुगेदर। अगर ये हमारे अंदर होगी तो हम एक दूसरे के साथ मिल के काम कर सकेंगे। टू प्रे टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल के इबादत कर सकेंगे। टू स्ट्रगल टुगेदर, एक दूसरे के साथ मिल के कोशिश कर सकेंगे। टू गो टू जेल टुगेदर, अगर हमें जेल भी जाना पड़े तो हम साथ मिल के जेल भी जाएंगे। टू स्टैंड अप फॉर द फ्रीडम टुगेदर, और आज़ादी के लिए हम मिल के खड़े हो सकेंगे। नोइंग दैट वी विल बी फ्री वन डे, इस ये यकीन रखते हुए कि एक दिन हम सारे आज़ाद होंगे। सो इस पैराग्राफ में उन्होंने फ्यूचर किस तरह का होगा जिसमें लोग मिलके काम करेंगे, एक दूसरे के लिए कुर्बानियां देंगे, एक दूसरे के लिए खड़े होंगे, और इसके नतीजे में नेशन भाईचारे के बंधन में जुड़ जाएगी। और ये चीज़ आज हमारे लिए भी उसी तरह से ट्रू है कि हमारे मुल्क में भी बहुत सारे ज़बानें बोलने वाले, बहुत सारे डिफरेंट कल्चर्स रखने वाले लोग हैं, और इवन मुस्लिम्स के अलावा हमारे साथ क्रिश्चियंस हैं, हिंदू कम्युनिटी है, इस तरह की दूसरी कम्युनिटीज़ हैं। तो हमारी नेशन के लिए भी ये बात उसी तरह से ट्रू है कि हम आपस के इख्तलाफात को भुलाकर भाईचारे की एक दीवार बनाएंगे, तो उससे हमारा मुल्क मजबूत होगा। सो अगर ये हो जाए, दिस विल बी द डे व्हेन ऑल गॉड्स चिल्ड्रन विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग। तो अगर ये हो जाए, वो दिन किस तरह का दिन होगा? वो दिन ऐसा दिन होगा व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जब खुदा की तमाम मखलूक विल बी एबल टू सिंग विद न्यू मीनिंग। वो इस नज़म को एक नए मानी के साथ गा सकेंगे। कौन सी नज़म? माय कंट्री दिस ऑफ दी स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी। अब ये अमेरिका की एक जैसे हमारे यहाँ पे कौमी तराने होते हैं, तो अमेरिका अपने मुल्क के लिए शायर नज़म लिखते हैं, तो ये इस तरह की एक नज़म है। अब इस नज़म को नई
नए मानी के साथ हम गा सकेंगे. माय कंट्री इट इज ऑफ दी, इट इज शॉर्ट फॉर्म इट इज की, ए मेरे मुल्क, स्वीट लैंड ऑफ लिबर्टी, मेरे प्यारे सरजमीन जो कि आज़ादी की सरजमीन हो, ऑफ दी आई सिंग, मैं तुम्हारे लिए गाता हूँ या मैं तुम्हारा गाना गाता हूँ. लैंड वेयर माई फादर्स डाइड, वो सरजमीन जहाँ पे मेरे अबाव अजदाद फोत हुए. लैंड ऑफ द पिलग्रिम्स प्राइड, वो जगह जहाँ पे पिलग्रिम कहते हैं हज करने को या ज़ियारत करने को, जो हज करने वालों के लिए एक फ़ख्र करने वाली जगह है, जहाँ जिसकी ज़ियारत के लिए लोग आते हैं. फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी में से ये आवाज़ आए कि किस चीज़ की आवाज़ी, आज़ादी के साज को बजने दो, आज़ादी की घंटी को बजने दो. फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग. अब इस सॉन्ग में से उन्होंने ये जो लास्ट लाइन है इसको अगेन इस नेक्स्ट पैराग्राफ में एक रिफ्रेन के तौर पे यूज़ करेंगे, एक रेजोनेंस इसके ज़रिए से क्रिएट करेंगे. तो उन्होंने ये पोइम का कुछ हिस्सा यहाँ पे कोट किया है कि इस सॉन्ग को हम सारे एक नए मीनिंग के साथ, अब वो नए मीनिंग क्या होंगे कि इसमें नेग्रोज भी शामिल हैं, इसमें सिर्फ गोरे नहीं हैं, सिर्फ वाइट्स नहीं हैं, इसमें तमाम लोग अमेरिका के शामिल हैं. एंड इफ़ अमेरिका इज़ टू बी ग्रेट नेशन दिस मस्ट बी ट्रू. अब वो कह रहे हैं कि अमेरिका ने अगर एक अजीम मुल्क बनना है तो ये जो चीज़ें हमने कही हैं इनको पूरा होना होगा, इनको पूरा किए बगैर अमेरिका कभी भी एक अजीम मुल्क नहीं बन सकता. सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. अब न्यू हैम्पशायर अमेरिका में एक रियासत है जहाँ पे हिल्स हैं प्रोडिजियस साइज में, काफ़ी बड़े, काफ़ी अहम समझ लें, हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. तो न्यू हैम्पशायर की सरजमीन से, वहाँ की पहाड़ियों से भी आज़ादी की आवाज़ आने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द माइटी माउंटेन्स ऑफ न्यू यॉर्क. तो अमेरिका की जो रियासत है न्यू यॉर्क, वहाँ पे बड़े बुलंद माउंटेन्स हैं, वहाँ से भी ये आवाज़ आनी चाहिए. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द हाइटनिंग एल्गेनीज. एल्गेनीज अमेरिका की रियासत हैं, तो एल्गेनीज एक माउंटेन रेंज है अमेरिका में जो कि रियासत पेंसिल्वेनिया में वाक़ है, तो वहाँ से भी आज़ादी की साज आए, का साज आए. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द स्नो कैप्ड रॉकीज ऑफ कोलोराडो. अमेरिका में एक और पहाड़ी सिलसिला है रॉकीज, वहाँ से भी आज़ादी की आवाज़ आए. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया. कर्व से है कर्वेशियस, कर्व का मतलब गोल मटोल, कर्वेशियस गोल मटोल. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द कर्वेशियस पीक्स ऑफ कैलिफोर्निया. तो कैलिफोर्निया की कर्वेशियस पीक्स से भी इस साज को आने दो. When we let freedom ring, sorry, but not only that, ना सिर्फ इन रियासतों से बल्कि अमेरिका जो बाकी अमेरिका है उसको भी बारी बारी वो हर रियासत का नाम लेंगे. But not only that, let freedom ring from the stone mountain of Georgia. Georgia में एक पहाड़ है स्टोन माउंटेन, उधर से भी इस साज को जो हमने बातें की हैं इसको बजना चाहिए. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द लुकआउट माउंटेन ऑफ टेनेसी. टेनेसी अमेरिका का वो स्टेट है जहाँ पे बहुत सारे मजालिम डाले गए जो नेटिव अमेरिकन्स थे उनके साथ भी और निग्रोस के साथ भी, तो टेनेसी के माउंटेन से भी इस साज को आने दो. लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम एवरी हिल एंड एवरी मोल हिल ऑफ मिसिसिपी. मिसिसिपी में बड़े पहाड़ तो नहीं है लेकिन हिल्स हैं और मोल हिल्स हैं, छोटी पहाड़ियाँ हैं, उनसे भी ये आवाज़ आनी चाहिए. फ्रॉम एवरी माउंटेन साइड लेट फ्रीडम रिंग, हर पहाड़ी पर से ये आवाज़ आए कि सब बराबर हैं, सब आज़ाद हैं. व्हेन वी लेट फ्रीडम रिंग, जब हम आज़ादी की आवाज़ को बजने देंगे. व्हेन वी लेट इट रिंग फ्रॉम एवरी विलेज एंड एवरी हैमलेट, हर गाँव में से और हर कस्बे में से. हैमलेट गांव से भी छोटा, छोटी सी आबादी होती है, हर छोटी सी आबादी से. फ्रॉम एवरी स्टेट एंड एवरी सिटी, हर रियासत में से और हर शहर में से. विल बी एबल टू स्पीड अप दैट डे, तो हम ज़्यादा करीब ला सकेंगे उस दिन को. व्हेन ऑल ऑफ गॉड्स चिल्ड्रन, जिस दिन खुदा के सारे बच्चे, ब्लैक एंड वाइट मैन, जो काले भी हैं और गोरे भी हैं, जो ज्यूज़ भी हैं और जेंटाइल्स भी हैं, जो यहूदी भी हैं और यहूदियों के अलावा जो
लोग हैं वो भी हैं, प्रोटेस्टेंट्स एंड कैथोलिक्स, ये दो फिरके हैं ईसाइत में, प्रोटेस्टेंट्स और कैथोलिक्स, विल बी एबल टू जॉइन हैंड्स एंड सिंग इन द वर्ड्स ऑफ द ओल्ड नेग्रो स्पिरिचुअल। प्रोटेस्टेंट्स भी और कैथोलिक्स भी मिल के जो नेग्रोस की एक कदीम एक नज़म है या एक सॉन्ग है, एक लोक गीत है, उसके ये अल्फाज कह सकेंगे। कौन से अल्फाज हैं? फ्री एट लास्ट, थैंक गॉड अलमाइटी, वी आर फ्री एट लास्ट, हम आज़ाद हैं, हम आज़ाद हैं और खुदा का शुक्र है कि आखिरकार हम आज़ाद हुए। सो डियर स्टूडेंट्स, स्पीच हमने ख़त्म की। आई होप के ना सिर्फ स्पीच से आप नए अल्फाज सीख सकेंगे, अंग्रेज़ी सीखने में आपको मदद देगी, बल्कि इस स्पीच से हम कुछ सीखेंगे इस तरह से कि हम अपने किरदार को, अपने कैरेक्टर को, अपने लाइफ्स को बेहतर बनाने के लिए इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम अपना सकते हैं, और ख़ासकर प्रोटेस्ट किस तरह की होनी चाहिए, प्रोटेस्ट कैसे करना चाहिए, इस पर हमने नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट का एक नया तरीका सीखा है। आई होप के यू लाइक इट। सो इसमें जो क्वेश्चंस हैं उनको एक नज़र देखें। डॉक्टर किंग स्पीक्स रिपीटेडली ऑफ हिज ड्रीम्स, व्हाट इज़ हिज ड्रीम? अब उनका ख्वाब क्या है? उनका ख्वाब यह है कि डॉक्टर किंग का ख्वाब यह है कि उनके बच्चे एक ऐसे मुल्क में सांस लें जहाँ पे तमाम लोग बराबर हैं, जहाँ पे कलर ऑफ स्किन मैटर नहीं करता, जहाँ पे तमाम लोगों के उनके हकूक मिलते हैं और भाईचारगी है, वहाँ पे डिस्कॉर्ड नहीं है, इस तरह के नेशन का वो ख्वाब देखते हैं। दिस इज़ द फेथ विद विच आई रिटर्न टू द साउथ। अब कौन से फेथ की उन्होंने बात की? फेथ इन व्हाट? फेथ इस ड्रीम में, इस उम्मीद के साथ और इस ख्वाब में मुकम्मल यकीन के साथ वो साउथ की तरफ वापस जाएंगे कि जो ख्वाब उन्होंने देखा ये ज़रूर पूरा होगा और इसके लिए वो मेहनत करेंगे। तो इसमें आप इस ड्रीम को दोबारा से बयान करेंगे और उस उम्मीद को कि जो जो पहाड़ है उनके सामने नाउमीदी का, उस पहाड़ को तोड़कर वो उसमें से उम्मीद का पत्थर निकाल लाएंगे और एक बेहतर मुस्तकबिल की तामीर कर सकेंगे, एक बेहतर मुस्तकबिल में फेथ, इस फेथ, इस यकीन की उन्होंने यहाँ पे बात की। सो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मुकम्मल हुआ। टिल नेक्स्ट लेक्चर, सी यू गाइस एंड हैव अ गुड डे।